टाटा पाकिस्तान से रिलेटेड आज की बड़ी खबर जानने से पहले आपका इन बातों का जानना बेहद जरूरी है। साउथ कोरियन कंपनी डेबू ग्रुप की स्थापना 1967 में हुई थी और इस ग्रुप के द्वारा कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का निर्माण किया जाता है। एक टाइम पर यह कंपनी भारत के अलावा दुनिया के सभी देशों में अपनी गाड़ियां बेचती थी, लेकिन 23 सालों के ऑपरेशन के बाद 1999 में डेबू ग्रुप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। इस ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका के जनरल मोटर्स ने खरीद लिया। इसके अलावा चाइना के पास इस ग्रुप का शिपिंग बिजनेस चला गया। अच्छी बात ये रही कि टाटा कंपनी भी इसमें पीछे नहीं रही। सन 2004 में टाटा ने डेबू के कमर्शियल ट्रक बिजनेस को खरीद लिया। कमाल की बात यह है कि टाटा डेबू साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चर कंपनी बनी हुई है। कुछ और भी ऐसी खास बातें हैं जिनको जानकर आप दंग रह जाएंगे, लेकिन ये जानने से पहले आज की मेन खबर को कवर कर लेते हैं। टाटा डेबू साउथ कोरिया में कमर्शियल व्हीकल में नई सीरीज के नए ट्रक लॉन्च कर चुकी है। इस सीरीज का नाम है डेक्सन विजन। ये ट्रक मल्टी ड्राइवर फीचर्स के साथ साथ FET इंजन के साथ भी आने वाले हैं और इन ट्रक्स की पूरी मैन्युफैक्चरिंग टाटा साउथ कोरिया में स्थित अपनी प्रोडक्शन यूनिट में करेगी। टाटा पहले से ही डेबू के ट्रक साउथ कोरिया से पिछले कई सालों से दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। और यहीं पर हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। सन 2005 में टाटा और पाकिस्तान की अफजल मोटर्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के तहत सन 2005 से अफजल मोटर्स टाटा डेबू के भी ट्रक पाकिस्तान में असेंबल करती है। मतलब पहले इन ट्रक्स के सभी पार्ट्स को साउथ कोरिया से पाकिस्तान में लाया जाता है और फिर पाकिस्तान में ट्रक्स को अफजल मोटर्स के द्वारा असेंबल किया जाता है। सीधी बात यह है कि पाकिस्तान में अभी भी एक भारतीय कंपनी मौजूद है जिसे भारत का ही मैनेजमेंट एक्सेस करता है। अगर आप ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में चलने वाली डेबू बसें भी टाटा से ही मैन्युफैक्चर होती हैं, तो इसका सही जवाब है नहीं। डेबू बसेस की ओनर अभी भी एक साउथ कोरियन कंपनी बनी हुई है और इस कंपनी का पूरा नाम है जायल डेबू कमर्शियल व्हीकल्स। बात करें डेबू पाकिस्तान की, तो पिछले कुछ समय में टाटा डेबू की मार्केट पर चाइनीज कंपनियों ने बड़ा कब्जा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से टाटा की सेल्स भी कई गुना गिरी है। टाटा ने अभी भी साउथ कोरियन मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है। टाटा ने कोरिया में डेक्सन विजन ट्रक्स के 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं। आपको बता दें कि टाटा अपने डेबू ब्रांड के ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग कोरिया के गुनसान में करती है और हर महीने तकरीबन 680 ट्रक इस कंपनी से रोल आउट किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना।